गुड वेल डन और मैं गया कहना चाहूंगा वो बड़ा क्यूट सीन था जब वो द्रक्ट द्रक्ट था। वाला सीन था बहुत प्यारा सीन, था। बहुत, प्यारा सीन था। बहुत प्यारा सीन था अच्छा जी तो जर पतों का बन हो गया खत्म आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी मेगा एपिसोड के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा मुझे हमजा की मुझे नहीं पसंद आई ठीक है बट अदर देन दैट इट वॉज इट वॉज इट एंडेड ब्यूटिफुल The last sequence I thought so, yeah. when she goes and medal very, flashback कैसे उसको support किया I think it was beautifully done. and उसकी बहुत जरूरत थी बिल्कुल ये दिखाना ये बताना कि हमारे ड्रामों में अगर देखें ना तो ये रिफ्लेक्शन है ये कहानी कि जो पीसीवी भी लड़की जो लड़की जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता वो yeah. लड़की जिसको कोई हैंड uh, के आओ मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूँ एज अपोज टू दैट दिस ड्रामे में आपने दिखाया कि एक लड़की एक, एक गांव से डॉक्टर बनने की ख्वाहिश लेके चली और हर मोड़ के ऊपर उसको लोगों ने सपोर्ट किया टू कि वो अठारह गोल्ड मेडल जीतती है

और वो जाता है रोशन उसके पास लॉकेट लेके उनकी बात होती है रिश्ते की बात होती है मराज दिन जाता है रिश्ता लेके और इसमें जो मैसेज मैं क्योंकि आई वाज टेकिंग अवे मैसेजेस फ्रॉम एवरी प्लॉट पॉइंट यही था ना कि यार इसको पूरी ज़िंदगी इस बंदे को क्या नाम होता है इसका जो ढोल वाला होता है पूरी ज़िंदगी इसको बोला कि ये ढोल वाला है भांड है इसके साथ रिश्ता नहीं करना है इसी घर के साथ हम हम इसको लड़का नहीं देंगे ये लड़का हमारा जाए भी ना उस घर में वो एक मेहनती किरदार है जो मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है एक ऑनरेबल किरदार है अपनी बेटी को भी उसने अच्छा पाला है अपनी बेटी की शादी भी करने को तैयार है जहाँ उसकी पसंद है जहाँ एक बुरा लड़का होता है उसे रिश्ता तोड़ देता है एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और अच्छा कैरेक्टर दिखाया है जो आखिर में शगुन भी लेके चला जाता है ढोल वाले को यू you नो know, जब माजदीन उसको कहता है मिसलीड करता है तो पहुंच भी जाता है एज अपोज टू मीनूज ब्रदर्स जो उसको अपोज करते हैं कि हम वहाँ रिश्ता नहीं देंगे हुआ आर गुड फॉर नथिंग जो कि अच्छे भले हट्टे कट्टे जवान हैं और वो कोई काम नहीं करते कोई रोजी नहीं कमाते अपने घर में कुछ नहीं उनके पास तो वो जो उन्होंने बैलेंस सिखाया ना कि हम जो जज करते हैं सोशल नॉर्म जो हमारा है एज अपोज टू रियलिटी एंड जो नहीं करना चाहिए आई थिंक दैट बैलेंस वाज ब्यूटीफुल बापों का तो ड्रामा है ये एब्सोल्युटली रात पत्तों का जो आप देख रहे हैं भूरे हाँ, को हाँ. और वहां पे उस बाप को हाँ। तो जिस तरह से बापो ने अपनी बेटियों को सपोर्ट किया अब वो बाप देखता है कि ये बेटी को हार पिना रहा है तो उसके बाद उसने क्या किया उसने उस बेटी का रिश्ता तय करने की और जब मिराज दिन जाके कहता है कि रोशन लड़का बड़ा अच्छा है कहता है मुझे पता है मेरा शागि है मुझे पता है वो कैसा लड़का है लेकिन कमाता नहीं है काम रोटी नहीं करता कहता है तो वो कहता है हाँ तो कर रहे शादी तो मेरे घर में रहे माजदिन कहता नहीं बेटियाँ अच्छी नहीं लगती अपने घर में अच्छी लगती हैं यू नो पूरी वो कॉन्वर्सेशन वो इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेसन थी और बड़ी कंस्ट्रक्टिव और मेरा इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था कि ठीक है उसको एक प्रॉब्लम है ड्रग अब्यूज़ है लेकिन वो इंसान अच्छा है और वो मदद मतलब ट्रैक वो राउंड वेरी वेल राउंडेड अप अपन नसरीन का जो ट्रैक था आपको हर जगह एक मॉरल लेसन मिल रहा है जिस तरीके से वो घर में बच्चे को भेजती है स्कूल फिर जाके पता चलता है डॉक्टर नोफिल को कि यू you नो know, उसने क्या सौदा किया और फिर वो फ़ोन करता है फातिमा को कि यू you नो know, तुम सोशल मीडिया पे ट्रेंड शुरू करो फिर वहाँ पे सो इट वाज वेरी आइडियलिस्टिक आई फेल्ट कि यू नो आइडियलिज्म थी कंप्लीट इन दीज टू एपिसोड्स कि जहाँ जहाँ भी आप सोच सकते थे कि इन एन आइडियल वर्ल्ड क्या होता वो हो गया सवाए एक ट्रैक के हर ट्रैक यू नो किस तरीके से वो कैंपेन शुरू करते हैं इस बात बातें مناउस पे भी आते हैं एक किस तरीके से वो कैंपेन शुरू करते हैं आवाम उनीजा हाशमी को देखते हैं प्रोटेस्ट पे आप, आप रुशानी दे। को देखते हैं प्रोटेस्ट पे वो कहते हैं कि बिल्कुल मिलेगा आप प्रोटेस्ट करें उनको नहीं पता उनको बता दें कि पुनीजा हाशमी और रुशानी आर पार्ट ऑफ कश फाउंडेशन इसका ये प्रोजेक्ट है तो उनको उन उनके मुंह से हमने मैसेज सुना ज ऑफ एप से एक मैसेज था चाइल्ड प्रोटेक्शन की हिफाजत करनी है एक था आबादी वो गाँव भी जाते हैं वहाँ पर भी वो बात करते हैं नसरिन के हक में बात देते हैं एफ डी न्यूज नक में बात होती है जो वो फैमिली प्लानिंग वाली खातून है वो कहती है की ना आबादी रोकनी चाहिए पैदा हम कर लेते हैं परवरिश नहीं कर पाते

मीनू लेके आती है अगेन हाइट ऑफ आइडियलिज्म के बीवी जो है दिखाई भी है कि वो शट अप कॉल देती है मलिक नादर को कि जो चर्सी है जिसने तलाक दे दी उसकी तुम गवाही ले रहे हो या जिस औरत की हम शुरू से देख रहे हैं कि वो एक ऑनरेबल औरत है उसकी गवाही ले रहे हो और क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो फिर जब वो थप्पड़ मारने लगता है तो बेटा उसका आके हाथ पकड़ता है कि नो सो so ये वेरी आइडियलिस्टिक बट वेरी वेलकम ऐसे सीन दिखाने चाहिए यू नो कहीं ना कहीं तब्दीली आती है

कि जो बच्चिया जो अपने घरों पे बैठी टीवी देख रही अब आप, आप यही हम बात करते हैं ना यार कि कि उनको 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 कुछ लाइट एट द द एंड ऑफ टनल तो दिखाओ तो दिखाई ना वो देखें इस कहानी से कि अगर उनके साथ कहीं पे ज्यादा हुई है तो उनके पास रास्ता होता है अपने उस इंसाफ लेने का उनके पास रास्ता होता है कि कैसे वो उन चैलेंजेस का सामना करें और उन चैलेंजेस को अबूर करें बिल्कुल खाब देखने से ना रोकें अपने आप को

कहती है और तुम्हारे साथ मोहब्बत करना मेरी ज़िम्मेदारी well, so, वो वो बात है ना कि वो प्यार में इतनी नहीं होगी कि उसको अपना गोल भूल गया या या वो पागल बेफूफ बन या, you know, बन गई गई यू नो इडियट नहीं रहता है कि जब दिखाते हैं आप प्रोग्रेसिव लड़कियों को आप कहते हैं कि नहीं जी इंडिपेंडेंट अगर तो वो उसको प्यार वगैरह की जरूरत नहीं है नहीं होती है होती है नहीं और दूसरा जो कितने उन्होंने तरीके के साथ जो ना कि जब मैं मेरा अगर जहनी और जिसमानी एबिलिटी होगी तो मैं बच्चे पैदा करूंगी और अगर कोई मेरे पे प्रेशर नहीं डालेगा

but you will pay for my medical school and my education you know aur tum banaoge and you will invest in the in the clinic main jab padh ke wapas aaungi to main yahan clinic kholungi aur aap wo clinic khol ke denge haq apna you know jitati hai usse mujhe bahut acha laga uff wo bada hi khoobsurat scene tha bahut khoobsurti ke sath na aakhri episode mein unhone sari cheezon ko ek sanche mein dal absolutely bahut khoobsurat scene tha wo आंखें बंद करके साइन करना शर्तें पढ़ना उसका आंखें बंद करके आई यू लिखना, उसका होते हुए दिखाना पेल्स पहन के सजल लग Absolutely, जो, जो, जो पंचायत लगाता है मेरी गलती की तुम लोग पैदा किया निकम्बो को और तुम लोगों को परवरिश नहीं सही दी और तरबियत नहीं की और तुम सब मेरे सरपंच न हमारे घर में वो नहीं आया कहते हैं कौन सा घर मेरा घर है ये और जब बीवी भी कहती है कि मैंने तो वो लिखाया था कमरा तो किधर लिखाया था तुम्हारे पास कौन सा पर्चा है कहाँ लिखवाया था और जब पता नहीं कौन सा भाई कुछ कहता है तो अम, क्या वो बात करता है ना नाफरमान लाद का कोई ऐसा नहीं होता लामा साहब लिटिल पंच लाइंस आप like, you know, अच्छा, we uh, yeah. देखे इसमें सारी चीजें एक आपने गरीब गाँव की लड़की को डॉक्टर बनते हुए दिखाया उसके बहुत उसकी इज्जत पे भी बात आई उसके भाई भी बहुत बुरे थे उसको उसने बहुत चैलेंजेस फेस किए सब कुछ था लेकिन कहीं पे भी आपको ये नहीं लगा कि यार ये बोरिंग हो गया ये ब्लैंड हो गया ये खाना खाते हुए मजा नहीं आ रहा yeah. आपने हर एपिसोड एपिसोड को को किया किया और अगली लुक मतलब फॉरवर्ड है इतने बेडफर है ये सारे कि इनको नो we'll you know, मीनू की शादी जा होगी पहला रिश्ता आएगा मैं शादी करने को तैयार हूँ

अपना कोई मुर्गों का कुछ बना रहा ah, होता है ah, उसके जो दो मुर्गे होते हैं ना एक जो रोशन ने पकड़ा होता है और जब रोशन बाहर जाता है वो मुर्गा खिड़की के बाहर ऐसे देख रहा होता है जैसे कि दैट सीन बट बट टुगेदर एंड लास्ट ग्रेजुएशन सीन यू नो दैट वो सुन 18 मेडल्स उसको मिलते हैं फिर वो आती है फिर वो कहती है कि दस, कि माय स्टोरी माय सक्सेस स्टोरी बिगिंस इन के सर्कला फिर वो रोना शुरू करती कहती है एंड इट्स नॉट माय सक्सेस स्टोरी और भागी भी जाती है और एक मेडल बाप को सबसे पहले पहनाती है और फिर यू नो एंड यू कहते ना कि uh, नाम क्या होता है उसका समथिंग मेनू नोफेल तो यू नो यू नो मेनू नोफेल यू नो शी इज मैडेड पूरी फैमिली यार की क्यों आ गई अब इस पे कि यार उसको या बड़ा करने की क्या क्यों? थी? मुझे मैंने चार पाँच नॉट मोर अगर उस वक्त डॉक्टर नोफिल अगर पच्चीस छब्बीस साल का था तो अभी क्या बत्तीस सैंतीस का होगा क्या जरूरत थी यार उसको लगाने की नकली बिल्कुल नहीं अच्छा लगा और ठीक है यार अगर आपने भूरा को दिखा दिया वो छह सात साल में ज्यादा बूढ़ा हो गया यार अफजल खान इतना बुरा नहीं हो सकता था छह साल में और वो एक ट्रैक था जो कि आइडियल तरीके से नहीं खत्म हुआ नहीं शादी हो गई उसकी किसके साथ आ, उसके साथ आपको लगा होगी उसने बोला अपने मुंह से बोला उसने हाँ हाँ मैंने बोला इस उम्र में मेरी शादी होगी तो वो शादी उसकी होगी नसरीन नसरीन के साथ राइट. और वो अब तीमारदारी कर रहा है उसकी मलिक क्यों मलिक बीवी बच्चा किधर है पता

सैयद तनवीर हुसैन ह्यूज शार्ट ह्यूज शार्ट बुरा का किरदार उन्होंने प्ले किया और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ होप करता हूँ कि हम उन्हें मजीद ड्रामों में हमने जेंटलमैन में भी देखा जी. हम और भी उनको देखें फैंटेस्टिक एक्टर लारेब मलिक मिनाल कुरैशी चौधरी मोहम्मद उस्मान मुबशर महमूद अदील अफजल अगेन फैंटेस्टिक सो गुड नजमा बीबी जरियाब हैदर एंड अदर्स एंड अदर्स एंड

और अगर आप कुछ नहीं आप कुछ सीखना चाहते वैसे एंटरटेन हो जाते हैं आपको पता है है आजकल मुझे बहुत रोना आ जाता है ड्रामे देखते। हाँ। जब वो एंड में ग्रेजुएट हो रही होती है ना बाप के पास जाती है हाँ। रोती भी और जब वो उठ जिन मेरी है, चलता है गाना वो तो खूबसूरत गाना जो रोशाना ने खुद गाया है आई गॉट इट वेरी इमोशनल बहुत मुझे बहुत, भी बहुत,

कि आज के दौर में आपने ये अचीव कर लिया 25-26 किस्तों के बाद के बावजूद जब ख़त्म हो रहा है ड्रामा वी हैव फॉन्ड मेमरीज एंड वी आर हैप्पी दैट इट इज एंडिंग एट द सेम लेवल इट स्टार्टेड